नहीं मिलना चाहिए। महिला को बराबर का अधिकार नहीं मिलना
चाहिए? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, बराबर का अधिकार कौन मांगेगी? जो अपने आप को छोटा महसूस करेगी, बोलो वही तो मांगेगी बराबर का अधिकार। मांगेगी कि नहीं? आपको लगता है हम इनसे छोटे हैं इसलिए हमको बराबर का अधिकार चाहिए, तो सुन लो कान खोल करके, तुम्हें बराबर का अधिकार नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने तुम्हें इनसे बड़ा बना करके भेजा है। यदि हम बराबर अधिकार मांगेंगे तो बोलो हमारी कीमत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। हमको तो ईश्वर ने बड़ा बना करके भेजा मेरी माताओं। अगर हम ये आंदोलन करेंगे बराबर का अधिकार चाहिए तो हमारी कीमत कम होती है, इसलिए हमको बराबर का अधिकार नहीं चाहिए। अरे नारी तो बड़ी है, नारी बड़ी है, ध्यान रखना होगा परमात्मा के बाद में यदि किसी की पूजा होती है ना तो वो नारी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नारी की पूजा होती है, ध्यान रखना। पर मेरी अगली बात को और ध्यान से सुन लेना, वो कौन सी नारी है जिसकी पूजा होती है? वो कौन सी नारी है जिसकी पूजा होती है? वेद के अंदर एक मंत्र आता है, अधः पश्यस्य गोपरि संतरं पादकौहर माते कष्टकौ दर्शने स्त्री ब्रह्मा बभूवित। क्या कहा है? हे नारी तू महान है, शब्दों पर ध्यान देना। हे नारी तू महान है इसलिए तेरा आचरण भी महान होना योग्य है। तू इस धरा पर यानी तू इस भूमि पर इस तरह से कदम रख, तेरा अंग प्रत्यंग यो ही किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि तू जगत की ब्रह्मा है। तेरी सुरक्षा में मानव जाति की सुरक्षा है, तेरे सम्मान में परिवार समाज राष्ट्र का सम्मान है। यथा माता तथा पुत्र, जैसी माँ होती है वैसी ही संतान होती है। यहाँ वेद का मंत्र कहता है नारी का कोई अंग दिखाई ना दे। अच्छा भी ईमानदारी से बताइए, समाज में बोलो अंगों का प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ ना मैं तो बोल दो, हो रहा है समाज में अंगों का प्रदर्शन हो रहा है। और अंगों का प्रदर्शन क्यों करती है महिला? वो अंगों का प्रदर्शन इसलिए करती है क्योंकि उन्हें सुंदर बन के दिखाना है। लेकिन सुंदरता से बड़ी नहीं होना, बड़े किससे होना है? वेद का मंत्र जो कहता है, आइए मैं इसी भजन के माध्यम से आपको बताऊंगी। और क्या कहा है कि चलो धरा पर, कि चलो धरा पर संभल संभल कर, कि चलो धरा पर संभल संभल कर, ये वेद माता बता रही है तुम्हारी गौरव मई कहानी के गीत दुनिया ये गा रही है। तुम्हारी गौरव मई कहानी के गीत दुनिया ये गा रही है। चलो धरा पर संभल संभल कर, चलो धरा पर संभल संभल कर, ये वेद नारी का ये उत्तम गहना।
अगर आपको सुंदर बन करके दिखाना है, कवि के भाव है, तो सुंदरता तो दिखाइए लेकिन शरीर की नहीं, गुणों की। आपने नाम सुना होगा पीटी उषा का, वो देखने में बहुत सुंदर नहीं है लेकिन आज सारा विश्व उन्हें किसके नाम से जानता है? उड़न परी के नाम से। किस नाम से जानता है? उड़न परी के नाम से, क्योंकि वो दौड़ में प्रथम रही थी, इसलिए सारा विश्व उड़न परी के नाम से जानता है। किसी ने कहा सूरत से कीरत भली, सूरत से कीरत भली पंख लगाए उड़ जाए, सूरत तो जाती रही कीरत कभी न जाए। अरे सूरत तो आज है, कल नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे अंदर कोई दिव्य गुण होगा, उसके दम पर दुनिया आज नहीं आगे तक भी याद रखेगी। पर ध्यान रखना होगा, उत्तराखंड के जो सीएम थे ना, उन्होंने कुछ जींस के लिए बोल दिया था और उसको लेकर के महिलाओं ने खूब आंदोलन किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? खूब आंदोलन किया था। फटी फटी जींस पहन करके निकली थी। और देखो एक बात कहती, वो सभी ध्यान से सुन लेना, जो सीएम को और पीएम को दोषी बताती है ना, वो कान खोल करके सुन लेना। वो महिला वहां आंदोलन में एक बात कह रही है सीएम से, बोले हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। अच्छा ईमानदारी से उत्तर देना मुझे, ईमानदारी से उत्तर देना, कोई व्यक्ति अपने घर के सामान को यदि फुटपाथ पर रख देगा तो बोलो आने वाला क्या करेगा? क्या करेगा? ठोकर मारेगा, देखेगा, छुएगा, और मर्जी होगी तो घर को भी ले जाएगा। जब आज की नारी ने सब कुछ खोल करके रख दिया, तो सामने वाले की उतनी गलती नहीं है जो सीएम से कहती है मेरी सुरक्षा की बात करो। अरे हम स्वयं अपने सामान को फुटपाथ पर रखते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर बताया। आगे क्या बताया? ऋषि मुनि हो या ब्रह्मचारी, हरी गौरव
ये 200 रुपए दे करके हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। उसके लिए पहले तो आपसे समाज आचरण